बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से ही गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते। इसी वजह से गांव और प्यारा और सुंदर दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे, कोई लकड़ी काटकर तो कोई खेती करके। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता वैसा ही अंदर से भी। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ और आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरे आँखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, इस गांव और उस जंगल और यहाँ के नज़ारे की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के भोजन का खूब आनंद लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी यहाँ पर एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। और आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें ही तो खरीदनी है। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही वन विभाग के कार्यालय घूमते घूमते जा पहुंचा। विजय को देखते ही वन विभाग के कर्मचारी समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी, मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ, पूरे 100 एकड़, और उसमें एक बड़ा सा रिसोर्ट बनाकर वहाँ लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की सुंदरता और मधुरता, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट, और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था कि आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। जल्द से जल्द आप कागजात और पैसे तैयार कीजिए। वन के 100 एकड़ ही तो हैं, बहुत बड़ा जंगल है, और इससे हमें और सरकार दोनों को फायदा है। विजय ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिसॉर्ट बनाता है जहां से सारा नजारा दिखे। रिसॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहां अपने परिवार के साथ आकर वहां का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां घूमने आया करते थे। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार ज्यादा और अच्छा चलने लगा था। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफा के लालच में विजय ने और जंगल के जमीन खरीद लिए और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज, दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। भगवान करे कि सब ऐसे ही कुशल मंगल चलता रहे। लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और व्यवसाय अच्छा नहीं हो पा रहा। पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। घनश्यू! यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। आपको और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा, आज रिसोर्ट में मैं और सिर्फ तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर, एक्चुअली अब लोगों के पास देखने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसे बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पॉल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें अच्छे से जानकारी निकालनी होगी कि हमारे व्यापार में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की तरफ चला जाता है।
वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे हैं मालिक आप? आप तो पूरे बदल गए, लेकिन ठाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ भोला, लेकिन ये गांव के सारे घर और व्यक्ति कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ मालिक, मैं वो कहते हैं सड़क अब आई है हमारे गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। अब यहाँ आकर कोई क्या करे, यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियाँ फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर, इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर वहाँ सफारी करके जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति बचेगी ही नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी गलती की है, इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे आप एकदम ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी प्रकृति और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज पौधे लगाएंगे। सारे ही लोग हर जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले की तरह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया, और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े पेड़ बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था हम अगर प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज बस व्यापार समझता था, मुझे आज समझ में आ रहा है कि व्यापार और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक पेड़ कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियाँ कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने व्यापार का और प्रकृति का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में बदल गया था। लोग अपना समय वहाँ की ताजा हवा में बिताने आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद लेने लगे। मंगलू और दीपू नाम के दो लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। हर साल खेती करते और मुनाफा खूब मजे से खर्च करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्शते। खेतों में बुआई का समय आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा, वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई मंगलू और दीपू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों आज दोनों भाई यहाँ आ गए, जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होंगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं,
मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल और दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी उतनी हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें प्रसन्न करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएंगी। मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ, कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने मुझे खुश कर दिया, मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, उससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियाँ ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से धरती पर 1 नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्य देव इतना कहकर वहाँ से चले गए और अगले दिन से 1 नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2-2 सूरज उगने के कारण पूरे धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बहुत खुश हुए। 2-2 सूरज होने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का समय आ गया। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा, ये 2-2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही, इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं, और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, चलो हट जाओ रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। 3रे दिन सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया, मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा, धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। 2रे ही दिन 3 सूरज दिखने लगता है। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए। 3-3 सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग परेशान होने लगे। नदी और तालाब का पानी सूखने लगा। सारे बर्फ पिघलने लगे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आग का ही किया धरा है। देखिए पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है, और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ, तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा, ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा, वरना पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्य देव आएंगे और इसका समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्य देव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है, हमें इस चीज का नुकसान और नहीं सहना।
हमारे घरों में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहां पर आ गया। हवन शुरू होने के कुछ ही देर में सूर्य देव वहां पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है, पूरे गांव ने मुझे पुकारा। सूर्य देव को पूरे गांव वालों ने नमन किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ करिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले जैसी धरती चाहते हैं, जहां सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य मैं ये बात स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, ना लालच में आकर ना किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सूर्य देव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे, पंछी उड़ने लगे, जानवरों का चहल पहल शुरू हो गया, हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने कसम खाई कि दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहां से जल्दी ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है, और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा, और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ, जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घुम्मर चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो, कुछ राशन हो तो वो भी ले लो, और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी, वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं, और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया, तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात,
नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा ना ठिकाना, पानी भी समय के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, कृपा करें, हमारे साथ बच्चे बूढ़े भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्बड़ चाचा के कागज के कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहाँ जैसे तैसे पहुँच जाएं, तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहाँ चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहां तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहां से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें, तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यही ठहरिए। चंद्रकांत घुम्बड़ चाचा के घर जाकर जो घर पानी से आधा भरा हुआ था वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्बड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे दो दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे, ये जरूर इंद्रदेव की महिमा है। ये, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा।
उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे, चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलीडे पर आई हूँ। सच कहा, यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे, मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती, पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो, अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। पुरांगनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा, प्रकृति की सेवा में अपना मन धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना, जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगिनी के निवासी हो, तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है, मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा, हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे, सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता, उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है, आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे, यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो, तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन, इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, मंगलू इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार ये कितना स्वादिष्ट है, अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूँगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने, हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं, इससे हमें एक अच्छी सीख
और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे एक महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं, अब तुम हम में से ही एक हो, तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है, कहाँ थी मेरी बच्ची, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का, जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा, मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था, मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे।